आज क्रिप्टो करेंसी और इसके फ्यूचर पर हम बात करेंगे वजरेक्स वाइस प्रेसिडेंट राजगोपाल मेनन से। पिछले कुछ वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आपने कई सवाल पूछे, क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेकर पूछे, गिरती हुई क्रिप्टो मार्केट को लेकर पूछे, उन सभी के जवाब आज रात से जानेंगे। कई रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि अगले 5 से 6 महीने में कुछ बड़े एक्सचेंजेस जो हैं वो बंद हो सकते हैं। अगर एक्सचेंजेस बंद होते हैं तो आपका जो पैसा है उसका क्या होगा एक्सचेंजेस में, और वजरेक्स फाउंडर्स के बारे में ऐसी खबरें आ रही थी कि वो दुबई शिफ्ट हो गए, रूमर्स हैं कि एक्सचेंजेस भी दुबई शिफ्ट हो सकता है। तो ऐसे में इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इस वीडियो में वजरेक्स वाइस प्रेसिडेंट राजगोपाल मेनन से। वेलकम टू अनकट राज। थैंक यू सो मच अयाज। सबसे पहले आपसे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा जिसका जवाब हर क्रिप्टो इन्वेस्टर जानना चाहता है, जिसको लेकर हर कोई परेशान है इस वक्त, कि कुछ वक्त पहले तो क्रिप्टो इंडस्ट्री का फ्यूचर जो वो बड़ा ब्राइट लग रहा था, लेकिन जैसे ही क्रिप्टो टैक्स अनाउंस होता है तब से ही पूरी इंडस्ट्री एक क्राइसिस फेस कर रही है, क्राइसिस सिचुएशन में आ गई है और दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। सो ऐसे में इंडिया में क्रिप्टो का फ्यूचर क्या होने वाला है? तो अयाज, आप जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पिछले साल तो बहुत हंकी डोरी थी पिक्चर, हिट थी, हिट अगर बॉलीवुड के लफ्ज़ों में बोले तो बहुत हिट थी, सुपर हिट होने वाली थी। बिटकॉइन ने 67,000 टच किया था, सब लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे। पर टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या हुआ कि सिचुएशन काफ़ी बदल सी जाने लगी। तो पहले था ये जो वॉर छिड़क गया बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, दैट वॉज अ ट्रिगर। पर उससे पहले भी काफ़ी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नेगेटिव होते दिखाई दे रहे थे, जैसे कि द लास्ट डेकेड, पिछले 10 साल में गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव प्रिंटेड ट्रिमेंडस अमाउंट्स ऑफ मनी। तो उससे क्या होता है कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो कॉस्ट वर एनीवे गोइंग अप, सिर्फ कोई ध्यान नहीं दे रहा था बिकॉज सब ऊपर जा रहा था। बट ये जब वॉर आ गया तो सबकी नज़रें ऑल द क्रूशियल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखने लगी, तब पता चला कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पिछले एक साल से बढ़ रहा था। फिर जब इन्फ्लेशन बढ़ा तो सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट्स ऊपर करना पड़ा, जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर करने लगे तो क्या हुआ कि इंडाइसेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड फेल ड्रामेटिकली। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड S&P इंडेक्स, नैसडेक, सब गिरा है काफ़ी अक्रॉस द वर्ल्ड। और उससे ये भी है कि बिकॉज ऑफ दैट जो क्रिप्टो मार्केट्स है देव ऑल्सो फॉलन। अभी एंड 2 वीक्स अगो हम लोग को एक और ये मेजर क्राइसिस था जहां एक स्टेबल कॉइन यू नो टूट सी गई, तो यू नो क्लोज टू अबाउट $40 billion ऑफ वैल्यू वर वाइप्ड आउट बाय दैट बाय द USD यू नो फियास्को। तो काफ़ी नेगेटिव न्यूज एक साथ आ गई। बट इंडिया के लिए सोने पे सुहागा ये था लिटरली कि बजट में टैक्सेस अनाउंस हुए, तो टैक्सेस इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं था टैक्सेस में से, बिकॉज इफ यू आर एन इंडस्ट्री आपको टैक्सेस तो भरने पड़ेंगे। अगर आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है तो आपका ये ड्यूटी है टैक्सेस देने का, तो वी वर एक्सपेक्टिंग टैक्सेस एंड मोस्ट ऑफ आर मोस्ट यूजर्स पे टैक्सेस हु आर लॉ अबाइडिंग। बट द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट वॉज द 1% TDS जो निर्मला सीतारामन जी ने डाला है। तो उनका ये मोटिव था, ये मकसद था कि उनको क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस ट्रेस करने थे, तो अगर मैं आपको मेरा क्रिप्टो बेचूं तो उस पर 1% टैक्स लगेगा। बट उससे क्या प्रॉब्लम है आयाज कि जब ये हमारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस है उनका 50-60% ट्रांजैक्शंस डे ट्रेडर से होता है। आपको मालूम होगा कि क्रिप्टो इज अ 365 डे सॉर्ट ऑफ अ मार्केट, कोई कभी बंद नहीं होता। हम लोग का BSE और NSE संडेज को बंद रहते हैं, क्रिप्टो में ऐसा कुछ नहीं है, और क्रिप्टो में फ्लक्चुएशंस भी काफ़ी होते हैं। तो काफ़ी डे ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब प्राइस घटती है तो खरीदते हैं और जब बढ़ जाती है तो बेच देते हैं, और इतना वॉलेटिल और इतना होने की वजह से आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं इफ़ यू आर सेंसिबल इनफ। बट ये TDS की वजह से क्या होगा कि आपका कैपिटल कम पड़ जाएगा आफ्टर अबाउट 250-300 odd transactions। आप हर ट्रांजेक्शन पे एक टका भरते जाएंगे इवन इफ़ यू आर मेकिंग अ लॉस। तो क्या होता है कि इवन इफ यू आर मेकिंग प्रॉफिट्स, आपका 250 या 300 ट्रांजैक्शन के बाद आपका कैपिटल घटने लगेगा। तो इसकी वजह से क्या हो गया है कि वॉल्यूम्स कम होने लगे ऑल मेजर एक्सचेंजेस पे। तो वॉल्यूम्स कम हो गए अलॉन्ग विद द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, तो काफ़ी मंदी लगा है अपने एक्सचेंजेस में। राज, आपने ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की बात की, तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 60-70% या फिर उससे भी ज़्यादा गिर गई है। ऐसे में एक एक्सचेंज कैसे सस्टेन कर पाता है, रेवेन्यू आपके पास कहाँ से आएगा? आप बताएं कि आपके यानी कि वजरेक्स के बिजनेस पर इस सिचुएशन का कितना असर पड़ रहा है।
काफी पड़ रहा है आयाज, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ठीक फरमाया कि ऑयल वॉल्यूम्स हैव फॉलन, और एक्सचेंज पैसे कैसे बनाता है, आप जब ट्रेड करते हो हम लोग आपसे 0.2% कमीशन चार्ज करते हैं ट्रेडिंग फीस पे, तो इफ वॉल्यूम्स आर डाउन जाहिर है कि हम कम कमाएंगे. तो लास्ट ईयर वी डिड 45 to 50 billion dollars ऑफ ट्रांजेक्शन्स. इफ यू आर गोइंग बाय करंट नंबर्स, बहुत बहुत घटने वाला है वॉल्यूम्स. तो व्हाट विल हैपन इज दैट वी सो इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टाइम. हमारा सीईओ ने भी बोला है कि यू नो बी प्रिपेयर्ड, ये साल काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा फॉर द इंडस्ट्री एंड एक्सचेंजेस इन पर्टिकुलर. तो इसमें क्या होगा आयाज कि सब जो मेजर एक्सचेंजेस हैं, जो वेल फंडेड एक्सचेंजेस हैं, लाइक वज़ीर-ए-एक्स इज यू नो वज़ीर-ए-एक्स जब फाउंड किया गया था उसके ठीक 20 दिन बाद आरबीआई ने बैन यू नो लगाया था 2018 में. वी हैव सर्वाइव्ड दैट. तो हम लोग को यू नो वी बीन देयर थ्रू द वर्स्ट. तो हम लोग वी आर वेरी कॉन्फिडेंट हम लोग सर्वाइव हो जाएंगे. बट ये क्वेश्चन है कि ये जो स्मॉलर एक्सचेंजेस हैं उनका क्या होगा. तो विच आर वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर द एंटायर क्रिप्टो इकोसिस्टम. जब आप बड़े होते हैं, जब आप बहुत बड़ी कंपनी बन जाते हैं, तो आप चेंज बहुत जल्दी नहीं कर पाते, आप निम्बल नहीं हो सकते. तो द स्मॉलर गाइज आर फार मोर निम्बल, आर फार मोर अडेप्टेबल टू चेंज, एंड दे गो आफ्टर मार्केट्स दैट आर नॉट वेरी बिग. तो वॉट इज गोन हैपन इज दैट मोस्ट ऑफ दोज एक्सचेंजेस विल सफर सीरियस क्राइसिस. तो येस, इंडस्ट्री इज इन अ बिट ऑफ अ क्राइसिस नाउ, एंड लेट्स सी एक साल के बाद क्या होता है. वैसे ये TDS इज गोइन टू कम इन फ्रॉम द 1st of July. तो आवर वॉल्यूम्स आर ऑलरेडी डाउन. अभी इससे ज्यादा कितना लो हो जाता है वो वी विल कम टू नो ओनली आफ्टर 1st of July. उसके बाद देखते हैं कितना कटता है, एंड देन वी विल हैव टू टेक मोर एक्शन. सोराज, आप कह रहे हो कि जुलाई के बाद से जो TDS रूल आएगा उससे और ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पर. तो ऐसे में आगे क्रिप्टो का फ्यूचर जो है वो इंडिया में क्या लग रहा है, क्या सब कुछ खत्म हो रहा है? आयाज, ये आपको समझना होगा कि जैसे आप इंटरनेट यू नो इंटरनेट इज द फ्यूचर, वैसे हम समझते हैं कि क्रिप्टो इज द फ्यूचर. और ये यू नो इट विल अफेक्ट अ लॉट ऑफ लाइव्स. यू नो बैंकिंग सेक्टर है उसको अफेक्ट करेगा. यू नो क्रिएटर इकोनॉमी है, जो पॉडकास्ट करते हैं, जो फोटोग्राफ करते हैं, NFT मार्केट्स विल अफेक्ट देम. तो दिस इज अ वे दैट विल ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स. तो इट इज नॉट गोइंग टू गो अवे एनी टाइम सून. थोड़ी तकलीफ होगी. यू नो exchanges are just one part of the entire ecosystem jahan aap crypto khareedte hain. But what happens is that there are far more uses of crypto, you know, where you can get, you know, agar sahi maane mein if the crypto revolution happens, aap cheap loans le sakte hain, aap cheap charity kar sakte hain, aap microfinance kar sakte hain. ये हम लोग का जो यू नो बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं दैट कैन गेट ट्रांस यू नो इवन द बैंकिंग सेक्टर बाय इटसेल्फ विल गेट ट्रांसफॉर्म बिकॉज ऑफ क्रिप्टो. क्योंकि बिकॉज इट्स डिसेंट्रलाइज्ड, द मेजर USP ऑफ क्रिप्टो इज इट्स वेरी लो कॉस्ट. जो सबसे नीचे वर्ग के लोग हैं, क्रिप्टो इज यू नो सपोज टू बेनिफिट देम. जो अनबैंक्ड हैं, अभी थैंक्स टू द जनधन योजना इंडिया डजंट हैव अनबैंक्ड पीपल. बट अफ्रीका में जाए तो यू नो इट वॉज लाइक इंडिया एग्जैक्टली 5 years ago. काफी लोग थे जिनको बैंक्स नहीं है, बैंक स्टेटमेंट्स नहीं है, बैंक अकाउंट्स नहीं है. तो आप हाउ डू यू गिव देम, हाउ डू दे सेव मनी? You know, that is a major problem that the poorest of the poor face, and crypto is supposed to solve that. So it is something that you cannot wish it away. Thodi takleef hogi for the next 2 years, but what will happen, we are hoping, is that once the government sees ki industry suffer kar rahi hai, government is generally responsive. You know, they've taken a decision, but we are hoping that when they see the consequences of their action, wo thodi samajh jayenge ki acha theek hai, ye industry bahut suffer kar rahi hai, and hopefully you know the 1% TDS will become 0.1% TDS. Raj, aise reports bhi aa rahe hain ki WZRX ke founders Nishal aur Siddharth ab Dubai shift ho gaye. Aise mein WZRX users jo hain wo tension mein aa gaye. Kai viewers ne to ye sawal pucha hai ki kya isse unke investment par fark to nahi padne wala hai, kya exchanges aise rumors aa rahe hain ki exchange to band nahi ho rahe. To in rumors ko please clear kare and viewers ko bataye ki aakhir mein sach kya hai, reality kya hai. Nahi, bilkul nahi. See, WZRX, तो WZRX का फाउंडिंग स्टोरी इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. निश्चल शेट्टी हमारे CEO थे, जो है मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो माफ़ करना मुझे आयास. तो हमारे CEO साहब थे, उनको क्रिप्टो खरीदना था 2017-18 में. तो उनको काफ़ी तकलीफ हुई एज एन इंडिविजुअल यूजर टू बाय क्रिप्टो. दैट इज हाउ ही फाउंडेड WZRX, टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ऑर्डिनरी इंडियंस. आपको क्रिप्टो खरीदनी है तो ही वॉन्टेड टू बिकम द इजिएस्ट प्लेटफॉर्म टू एक्चुअली
बाइक एंड सेल क्रिप्टो, वो दैट गोल हम लोग ने काफ़ी सक्सीड हुआ है बिकॉज वी आर इंडियाज नंबर वन एक्सचेंज नाउ बाय वॉल्यूम्स. तो अगर आप हमारे नंबर्स देखें तो हम लोग सिर्फ अभी 15 मिलियन यूजर्स हैं. तो इफ़ यू लुक एट द लेटेस्ट नंबर्स ऑफ यू नो डीमैट अकाउंट्स, यू कैन से दैट देयर आर 10 करोड़ डीमैट अकाउंट्स. तो 15 मिलियन से 10 करोड़ तक पहुँचने में दैट इज़ द स्कोप ऑफ द मार्केट. तो कोई ऐसा नहीं है कि व्हेन यू आर नंबर वन हम लोग यू नो फर्स्ट राउंड में ही हम लोग कहे कि अच्छा ठीक है हम लोग का हो गया करके. 10 करोड़ तो टच करना ही होगा. Exactly. रहे यू नो दैट इज द स्कोप ऑफ द मार्केट एंड वी विल बी अ फूल राइट नॉट टू इग्नोर द मार्केट. इफ यू कैन व्हाई इज एवरीबडी इंटरेस्टेड इन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट मार्केट फॉर एनी कमोडिटी, फॉर एनीथिंग, वेदर इट इज मोबाइल फोन्स, वेदर इट इज कलर टेलीविजन, वेदर इट्स कार्स, वेदर इट्स क्रिप्टो अकाउंट्स. तो वी आर नॉट, हम लोग इतने ये नहीं है कि हम लोग इंडिया ऐसे छोड़ देंगे. रहा सवाल अपना सीईओज का, तो इलॉन मस्क 3-3 कंपनी चलाता है. जेफ डॉर्सी जो ट्विटर के फाउंडर है, 4-4 कंपनी चलाता है. तो द आइडिया इज दैट व्हेन यू फाउंड द कंपनी इट इज सक्सेसफुल, आप यू नो यू हायर रिस्पॉन्सिबल पीपल लाइक मी आयाज टू डू योर डेली ऑपरेशन, और आप स्ट्रेटजी देखते हैं, आप ऑपरेशन हम लोग चलाते हैं. सो देर इज एन एंटायर सेकेंड रो ऑफ लीडरशिप वज़ीर-ए-एक्स में एंड फॉर ऑल मेजर कंपनीज जो चलाते हैं. तो यू नो द निश्चल एंड अदर्स आर स्टिल इन्वॉल्व. वी हैव मीटिंग्स, वीकली मीटिंग्स, रिव्यूज होते हैं वो, यू नो इनफैक्ट मेजर डिसीजंस भी लेते हैं. तो द लीडरशिप इज स्टिल वेरी मच अराउंड, बट यू कैन नॉट टेल देम दैट अरे ठीक है आपका एक कंपनी तो चल गया, दूसरा कंपनी मत चालू करो, बिकॉज देयर इज सो मच स्कोप फॉर क्रिप्टो. कितने कम कर सकते हैं हम लोग. और द थिंग इज दैट दिस इज एन इट इज एन इन्फेंसी स्टेज आयाज. अगर आपको एक अच्छी आइडिया है और आप अच्छे इंप्लीमेंट करते हो तो यू कैन यू नो गॉड नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. यू नो यू कैन स्पॉन कंपनीज विद बिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो दैट इज द एंटायर आइडिया. एवरीवन इज अ सीरियल एंटरप्रेन्योर. तो They travel extensively. अभी क्रिप्टो में कॉन्फ्रेंसेज होते हैं हर जगह, दुबई में होते हैं, अभी US में हुआ है, ये नासो में हुआ है. तो फाउंडर्स तो कीप ट्रैवलिंग, दे आर यू नो दे आर एग्जीक्यूटिव्स, दे विल कीप ट्रैवलिंग. तो अफवाहें फैलती रहती है, अभी इसका कुछ कर नहीं सकते हम. थैंक्स फॉर क्लियरिफाइंग दिस राज. व्यूअर्स को इससे काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, रूमर्स जो है वो काफ़ी हद तक खत्म होंगे. वैसे ऐसी बातें भी कही जा रही हैं कि इंडस्ट्री में जो एक करंट ट्रेंड चल रहा है, सिचुएशन चल रही है क्रिप्टो को लेकर इंडिया में, अगर ये अगले 6 महीने या फिर कहें साल भर परसिस्ट कर जाती है तो कई एक्सचेंजेस जो हैं स्पेसिफिकली छोटे एक्सचेंजेस वो बंद हो सकते हैं. तो ऐसी रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल हो सकते हैं आयाज, क्योंकि क्या होता है कि ये जो छोटे एक्सचेंजेस हैं वो क्या करते हैं, वो लोग कंज्यूमर्स अक्वायर करते हैं पर उनके पास लिक्विडिटी नहीं रहता. वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग लिक्विडिटी बड़े एक्सचेंजेस जैसे वज़ीर-ए-एक्स, वज़ीर-ए-एक्स इज द बिगेस्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर फॉर ऑल एक्सचेंजेस इन इंडिया, हम लोग से लिक्विडिटी लेते थे. तो वो लोग कस्टमर्स अक्वायर करते हैं और हम लोग से लिक्विडिटी लेते हैं. दैट मीन्स आपको अगर आयाज आपने एक नया एक्सचेंज चालू कर दिया, आपने फैंटास्टिक यू आर एमिंग एट से फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, और आप इन्फोसिस के कैंपस में जाके सबसे अकाउंट्स खुलवाए, तो अभी आपको कंज्यूमर्स हैं तो क्रिप्टो कहाँ से मिलेगा? हम लोग के यहाँ क्रिप्टो है इन वज़ीर-ए-एक्स फॉर एग्जांपल, तो आप वज़ीर-ए-एक्स से क्रिप्टो लेके उनको भेज सकते हैं. तो दैट इज़ हाउ मोस्ट स्मॉलर एक्सचेंजेस फंक्शन. नाउ अभी क्या हो गया है कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस आपके अगर बिकॉज वॉल्यूम्स आर कमिंग डाउन, कंज्यूमर्स आर वरिड, आपके अब अगर कंज्यूमर्स ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप यू नो द लिक्विडिटी इज अ सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. अगर आपके पास कंज्यूमर्स ही नहीं है, आपके पास वॉल्यूम ही नहीं है, आपके पास ट्रांजैक्शंस ही नहीं है, तो जाहिर है कि ये छोटे एक्सचेंजेस को काफ़ी दिक्कत होगी फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर. जो यू नो हु मैनेज टू कट डाउन ऑन कॉस्ट एंड ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस दे विल सर्वाइव, बट यू नो लॉट ऑफ एक्सचेंजेस विल हैव अ बिग प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट 1.5 ईयर्स. राज, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज एक एक्सचेंज है जिसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी गिर गई है इस वक्त, अब वो अपना बिजनेस नहीं चला पा रहा है, वो अब बंद हो जाता है, बिजनेस को अपने क्लोज कर देता है. तो ऐसे में जिन लोगों ने उस एक्सचेंज के जरिए अपना पैसा क्रिप्टो में लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, उस पैसे का क्या होगा? तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा आयास. तो ये एक क्वेश्चन कॉइनबेस ने भी, ये उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला था जस्ट पिछले हफ्ते कि अगर कॉइनबेस बैंकक्रप्ट हो जाता है तो कॉइन्स किसके हैं, किसका हक बनता है कॉइन्स के ऊपर. तो कॉइनबेस ने एक रिपोर्ट निकाला था कि भले ही हम फॉर्च्यून 500 है, यस्टरडे दे बिकेम अ फॉर्च्यून 500 कंपनी, पर अगर वो बैंकक्रप्ट हो जाता है तो उनके जो लेंडर्स है उनका हक बनता है जो कंज्यूमर्स के कॉइन से उसके ऊपर.
बट सो दैट वॉज अ मेजर रेवल्यूशन. ये सब लोग को पता नहीं था बट दे हैव अ फोर्स टू एडमिट इट बिकॉज SEC ने बोला कि आपको ये एडमिट करना पड़ेगा पब्लिकली, ये पब्लिश करना पड़ेगा. बट अगर आप इंडिया की स्पेसिफिकली देखें और WazirX का देखें तो आपका कॉइन्स आपका है. तो WazirX वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ हुआ बट यू विल स्टिल हैव कस्टडी ऑफ योर कॉइन्स, द कॉइन्स स्टिल टेक्निकली बिलोंग टू यू. तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू योर कॉइन्स. बट फॉर अदर एक्सचेंजेस आपको 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 जाके आपका यूसेज टर्म्स जो है वो पता करना होगा कि क्या है. एंड इन क्रिप्टो देर इज टिपिकली एक फंडा, द रूल नंबर वन ऑफ क्रिप्टो इज अगर आपके कॉइन्स आपके वॉलेट में नहीं है तो आपका कॉइन्स नहीं है. इट्स कॉल्ड नॉट योर कॉइन्स नॉट योर क्रिप्टो. तो अगर आप कोई भी एक्सचेंज हैं, द फर्स्ट रूल ऑफ क्रिप्टो इज आप अपने कॉइन्स खुद की कस्टडी में ले. Because that is what crypto is supposed to do. You are not at the mercy of anybody, not of an exchange, not at a government, not of anybody. So, आपका custody आपको खुद लेना पड़ेगा, and that is the best practice for everybody to follow, whichever exchange you are in, whether it is Coinbase, whether it's WazirX. So, it is advisable आप अपने terms of use पढ़ो and find out what happens, and take your measures according to what you're comfortable with. राज्य जो करंट क्राइसिस चल रहा है इंडिया में क्रिप्टो को लेकर, इसमें बैंक्स एक्सचेंजेस को सर्विस नहीं दे रहे, पेमेंट सर्विसेज ब्लॉक कर दी गई हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ ये काम नहीं करना चाह रहे. कॉइनबेस ने अभी क्लेम किया था कि RBI के इनफॉर्मल प्रेशर की वजह से उन्होंने अपनी ट्रेडिंग जो है वो रोकनी पड़ी उनको. सो व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन क्रिप्टो एक्सचेंजेस एंड RBI? जो ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने कहा वो ही जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा. यू आस्क अस, हमारे लिए जो प्रैक्टिकल है आयाज, हमारे एक्सचेंज के साथ CBR इंडिया नंबर वन एक्सचेंज, वी बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम से वी वर वर्किंग विद अ लॉट ऑफ बैंक्स, अभी बैंक्स आर नॉट वर्किंग विद अस. तो इसका रीज़न क्या है वो बैंक्स को ही पता है. हम लोग को कुछ बोलते नहीं है, हम लोग जाके पूछते हैं बैंकिंग चैनल चाहिए, बोलते हैं हाँ देखेंगे देखेंगे, पर कुछ होता नहीं है. तो बहुत दिक्कत हो रही है हमारे यूजर्स को बिकॉज दे कैन नॉट बाय एंड सेल क्रिप्टो इजीली. तो दैट इज द स्टेट ऑफ WazirX एंड द जनरल इंडस्ट्री का, सब पूरा इंडस्ट्री को ये प्रॉब्लम है, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू WazirX. तो बैंक्स आर बींग अ लिटिल कॉशियस, किस वजह से वो सिर्फ बैंक जानते हैं और हम लोग को बताते भी नहीं है क्यों है. राज, क्या गवर्नमेंट से अभी चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए बातचीत चल रही है क्या? पहले दो तीन बार जब मेरी इनिशियल से बात हुई तो ही सेट कि हाँ बातचीत चल रही है. सो क्या अभी भी गवर्नमेंट से बातचीत जारी है, चल रही है, कुछ क्लैरिटी मिली है क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको? तो फॉर्मल, अगर आप फॉर्मली पूछे आयाज, तो क्या है कि द लास्ट टाइम वी फॉर्मली मेट विद द गवर्नमेंट विद द MPs वाज विद जयंत सिन्हा. जयंत सिन्हा के साथ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उनसे मिला था, पर दैट वाज एट अ एट अ पार्लियामेंट्री लेवल. बट अगर आप इफ़ यू लुक एट द ब्यूरोक्रेसी, हम लोग काफ़ी इंगेज करते हैं, वेदर इट इज़ RBI ऑल्सो. RBI हम लोग को बहुत डेटा पूछता है और हम लोग दे देते हैं, खुशी खुशी दे देते हैं. वेदर इट इज़ द फाइनेंस मिनिस्ट्री, वी आर टॉकिंग टू देम कॉन्स्टेंटली. उनको क्या चाहिए, उनको डेटा चाहिए, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे चलता है, ये क्या है, हाउ डज दिस वर्क. हम एट एन इंडस्ट्री लेवल ऑल्सो BACC के थ्रू से हम लोग बात करते हैं, एट एन इंडिविजुअल लेवल ऑल्सो हम लोग काफ़ी बात करते हैं गवर्नमेंट से. हम लोग काफ़ी रिकमेंडेशंस भी देते हैं बट फाइनली डिसीजन गवर्नमेंट का होता है. तो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो गवर्नमेंट एक्चुअली डिसाइड्स क्या रूल्स सेट करने हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं और हम लोग फॉलो करते हैं. तो बातचीत तो चलती रहती है बट मे बी थिंग्स आर गेटिंग लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. यस, होप कि इस पर जल्द क्लैरिटी मिले. राज, एक और इम्पोर्टेंट सवाल आता है यहाँ पर व्यूअर्स की तरफ से आता है कि मार्केट में जैसे आपने बताया कि डाउन ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, तो ऐसे में लोगों के जो पोर्टफोलियोज हैं वो रेड में है, तो क्रिप्टो मार्केट की आगे की प्रेडिक्शन क्या हो सकती है, मार्केट जो है वो कब स्टेबल होगा? ये काफ़ी मुश्किल सवाल बोला पूछा आयाज ने, क्योंकि ये दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ट्राई कर रहे हैं कि प्रेडिक्ट करना मार्केट्स कैसे कैसे बदलेंगे. सो इट वेरी डिफिकल्ट टू से, एंड स्पेशली क्रिप्टो जो काफ़ी वॉलेटाइल है. बट अगर आप पूछें तो देर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट मार्केट को क्या चाहिए. मार्केट को स्टेबिलिटी चाहिए, नॉट ओनली क्रिप्टो मार्केट्स, जनरली वर्ल्ड ओवर. तो द फर्स्ट थिंग इज दैट अगर ये वॉर जो है, जो इंडिया जो रूस यूक्रेन वॉर है, इफ देर इज अ साइन दैट इट इज गोइंग टू गेट एनी टाइम, गेट ओवर एनी टाइम सून, तो वो उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा. सेकेंडली ये है कि काफ़ी सप्लाई चेन का इश्यूज़ है, क्योंकि चाइना में घमासान कोविड चल रहा है. इफ़ आपको पता ही होगा कि शंघाई इज़ अंडर लॉकडाउन, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि द एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी का काफ़ी माल चाइना में अटका है.
जिसकी वजह से विच इज अनदर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू इन्फ्लेशन. तो इफ शी जिनपिंग का जीरो कोविड पॉलिसी यू नो चेंजेस इन द नियर फ्यूचर, जिससे सप्लाई चेन मेजर्स चेंज और बेट बिकम बेटर, उससे मार्केट यू नो बेहतर हो सकती है. अगर ये मंकी पॉक्स का जो लेटेस्ट यू नो वायरस है, अगर पता चले कि इतना ट्रांसमिसिबल नहीं है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो अगेन दैट विल हेल्प अलॉट. एंड देन वॉट हैपन्स इज दैट यू सी सीरीज ऑफ गुड रिजल्ट फ्रॉम मोस्ट कंपनीज, तो द सेंटिमेंट इम्प्रूव्स. तो if a lot of things happen, things can happen, jaldi hi sudhar sakte hain, but it all depends upon factors that hum log control nahi kar pate. So things can improve, but in the next 1 year things will become very you know we will not be able to, bahut unpredictable rahega, bahut volatile rahega. राज, आरबीआई और गवर्नमेंट के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इस वक्त क्रिप्टो को लेकर, उनसे ये कहा जा रहा है एक तरफ कि हो सकता है कि हम इंडिया में क्रिप्टो पर शैडो बैन की तरफ बढ़ रहे हो. सो क्या ये बात सही है या फिर देयर इज स्टिल अ रे ऑफ होप फॉर क्रिप्टो इंडस्ट्री इन इंडिया? नहीं, अगर इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड्स तो मैं यूज नहीं करूंगा आयाज, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को बैन करनी थी तो बैन कर सकते थे, ठीक ना. गवर्नमेंट हैज जस्ट सिंपली टू इंट्रोड्यूस अ लॉ एंड इट विल एंड इट कैन गेट बैन, टेक्निकली लीगली इट कैन गेट बैन, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया. तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि हम लोग आपको रेगुलेट करेंगे. गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि आप यू नो वी विल वॉच यू वेरी क्लोजली, आप यू नो कोई उटपटांग सी चीज मत करना क्योंकि हम लोग आपके ऊपर नजर ठहरे रखे हैं. तो दैट इज द करंट एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट इज सेइंग ठीक है, आप नए इंडस्ट्री हो यू नो, बट यू हैव द आपका यू नो इन्फ्लुएंस इज यू नो दिस इंडस्ट्री इज ट्रांसफॉर्मेटिव. तो ये अच्छी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है. जैसे इंटरनेट जब चालू हुआ था 1998 में, यू नो इफ वी हैड डिसाइडेड टू बैन द इंटरनेट, यू वुड हैव यू नो नॉर्थ कोरिया हो जाते हैं इंडिया. सो यू नो द गवर्नमेंट इज सेंसिबली डिसाइडेड बैन नहीं करते, पर इन पर नजर रखते हैं और इन पर थोड़ा कंट्रोल रखते हैं. अभी कंट्रोल कितना है उसके ऊपर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, कितना टैक्स रेट है, कि क्या कर सकते हैं. तो आई डोंट थिंक इतना भी बुरा वक्त आएगा कि पूरी इंडस्ट्री बैन हो जाएगी, बट वी आर होपफुल दैट गवर्नमेंट व्हेन गवर्नमेंट सीज द रिजल्ट्स ऑफ इट्स एक्शंस, गवर्नमेंट विल सी. गवर्नमेंट इज सेंसिबल, राइट? उनको भी टैक्स रेवेन्यूज चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, उनको भी अपना ऑब्जेक्टिव्स यू नो मीट करना है. तो यू नो इन वन ईयर थिंग्स विल बी अ लॉट मोर क्लियरर इन जनरल. राज, लास्ट में यो मैसेज टू क्रिप्टो इन्वेस्टर्स जो इस वक्त काफी परेशान लग रहे हैं, एज अ स्टेक होल्डर आप क्या कहना चाहेंगे इस करंट सिचुएशन में? तो आई कैन नॉट गिव रिसर्च, आई कैन नॉट गिव एडवाइस आयास, तो बट बिकॉज वी आर एन एक्सचेंज, यू नो अपना हमारा कंप्लायंस वेरी स्ट्रांग है एंड बजीरेक्स इज अ वेरी कंप्लायंट कंपनी. अगर आपको समझाइया होगा, समझ ही गया होगा. बट द आइडिया इज दैट डोंट, आप ये क्रिप्टो ऐसा मत समझिए कि आप यू नो दिस इज अ गेट रिच क्विक स्कीम, ऐसा नहीं है. ये आपका एक नॉर्मल सा इन्वेस्टमेंट है, ऐसा सोच के समझिए, ऐसा सोच के चलिए आप. सो यू नो इन्वेस्ट मनी दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज. आप वीकेंड्स को पार्टी करते हैं, 5,000-10,000 उड़ाते हैं, आपकी जितनी भी कैपेसिटी है आप वो इन्वेस्ट कीजिए जिससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा. बी प्रिपेयर टू इन्वेस्ट मनी इन क्रिप्टो दैट यू प्रिपेयर टू लूज, कुछ फर्क नहीं पड़ता. एंड लुक एट इट एज अ लॉन्ग टर्म, यू नो 5-10 साल का व्यू पॉइंट आप देखो, उसके बाद पता चलेगा कि यू नो क्रिप्टो विल डू वंडर्स फॉर योर पोर्टफोलियो. तो लॉन्ग टर्म ये देखो आप, डोंट इन्वेस्ट टू गेट रिच क्विक, और सेंसिबल यू नो टोकन्स में इन्वेस्ट करो जो आप समझते हैं, जो जेन्युइनली ब्लू चिप हैं, वो देख के सर यू नो इफ यू डू ऑल दीज थ्री थिंग्स प्रॉपरली, जरूर कमाल कर देगा क्रिप्टो आपके लिए. ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस राज, एंड व्यूअर्स के सवालों का जवाब देने के लिए. आपसे फिर से हम दोबारा बात करेंगे एक नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ. अगर आपके पास भी क्रिप्टो से रिलेटेड कोई सवाल है व्यूअर्स के पास, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जरूर पूछना हमसे. अगली वीडियोस में मैं उनके जवाब आपके लिए लेकर आऊँगा. आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. कीप वॉचिंग अनकट फॉर मोर सच कॉन्टेंट.